अग्निपथ और अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन का बड़ा कनेक्शन ताज नगरी आगरा से निकलकर सामने आया है। इनकलाब जिंदाबाद नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरे देश में छात्रों को भड़काने का काम किया जा रहा था और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए और तोड़फोड़ करने के लिए दिशा निर्देशित भी किया जा रहा था। इस पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पूरे आगरा में 39 लोगों की गिरफ्तारी पूरे प्रकरण में भी की गई है। पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह ने यह जानकारी मीडिया के साथ साझा की। आपको बता दें कि पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध भी चल रहा है। इस योजना के विरोध प्रदर्शन के बड़े कनेक्शन ताजनगरी आगरा से भी जुड़ गए हैं। दरअसल ताजनगरी आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के रहने वाले एक छात्र द्वारा इनकलाब जिंदाबाद नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें छात्र के अलावा राजस्थान और पंजाब के भी ग्रुप एडमिन शामिल थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रदर्शनकारियों को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि उनको कहां और किस जगह प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ करना है। थाना मलपुरा क्षेत्र पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को जब पकड़ा गया तब व्हाट्सएप ग्रुप का ये मामला संज्ञान में आया। आगरा पुलिस द्वारा इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और सदस्यों सहित 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा था। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार प्रदर्शनकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में राजस्थान, पंजाब और बिहार और उत्तर प्रदेश के ऐसे युवा शामिल थे जो अनेक व्हाट्सएप ग्रुप पर दिशा निर्देश जारी किया करते थे, जिसके बाद बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की है। देखिए, जब ये अग्निपथ से संबंधित आंदोलन चल रहा था और उसमें कुछ हिंसा हुई थी, तब जनपद आगरा में भी कुछ ग्रुप्स को संभ्रांश लिया गया था और करीब 40-42 ग्रुप ऐसे थे जो मीडिया सेल के, जो हमारे मीडिया सेल था उसके संभ्रांश पर थे। उसमें इनकलाब जिंदाबाद नाम का भी ग्रुप था जिसके करीब 300 मेंबर्स उसमें जुड़े हुए थे और वो विभिन्न स्टेट्स के मेंबर्स थे। उनका जब डिटेल निकाला गया तो उससे काफ़ी जो सनसनीखेज चीज़ें हैं वो सामने आई थी और उनके ग्रुप में लगातार जो नवयुवक थे उन्हें इंस्टिगेट किया जा रहा था कि आग लगानी है, बसों में आग लगानी है, ट्रेन्स में आग लगानी है, पेट्रोल लेके जाना है और कहाँ जाम लगाना है, कैसे तोड़फोड़ करनी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंस्टिगेट हो रही थी। उसमें 13 गिरफ्तारी अभी तक उसके आधार पर की जा चुकी है और जो कुछ ये जो जयपुर से जुड़ा हुआ ग्रुप था वहीं से बनाया गया था, उसके कुछ लोग थे, आगरा के कुछ लोग थे जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए। उसमें सादाबाद जो दूसरा जनपद हाथरस से, सादाबाद के कुछ लोग उसके अंदर थे और पंजाब का भी एक व्यक्ति उसके अंदर था जो लगातार भड़काऊ भाषा जो मैसेज था वो कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ चीज़ और संकलित होनी है, कुछ और संकलित होने और कुछ लोगों की और गिरफ्तारी होनी है। टोटल गिरफ्तारी कितनी होगी? अभी तक 13 गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी अभी कुछ गिरफ्तारी होनी शेष है। कुछ कोचिंग संचालक भी इसमें देखिए, कोचिंग संचालक जो था वो डिफरेंट ग्रुप था जहाँ लोग इकट्ठे, जहाँ बच्चे जो है इकट्ठे होते थे वहाँ से उन्हें इंस्टिगेट किया जाता था। ऐसे लोग गिरफ्तार किए, 151 गिरफ्तार किए गए हैं, 11 लोग 151 गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद सभी जो कोचिंग संचालक हैं 39 उन्हें 116-16 के अंदर बाउंड डाउन कराया गया है और उनसे ये बॉन्ड लिया गया है कि यदि कोई चीज़ उनके सामने आएगी तो उनके खिलाफ फोर फीचर की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके अलावा पूरे आगरा से 39 लोगों को अग्निपथ योजना के विरोध में गिरफ्तार कर विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दो कोचिंग संचालकों को भी आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो छात्रों को भड़काने का काम किया करते थे। अग्निपथ और अग्निवीर के विरोध प्रदर्शन का आगरा का कनेक्शन बहुत बड़ा निकल कर आया है। दरअसल आगरा में एक ग्रुप संचालित हुआ जिसका नाम था इनकलाब जिंदाबाद और इसी ग्रुप पर पूरे देश में लोगों को और युवाओं को निर्देश दिए जाते थे कि कहाँ पर तोड़फोड़ करनी और कहाँ पर प्रदर्शन करना है। ये इस बात की तस्दीक ताजनगरी आगरा के पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह ने की है। अभी तक इस पूरे मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस ग्रुप के एडमिन के तार जयपुर, पंजाब और सीमावर्ती जो जिला है हाथरस वहाँ से जुड़े हुए हैं। इस पूरे धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में आगरा पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस जाँच इस ग्रुप के ऊपर आकर टिक गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस ग्रुप के जो मेंबर थे, इस ग्रुप के जो एडमिन थे, वही पूरे देश में अग्निवीर और अग्निपथ के विरोध में छात्रों को भड़का रहे थे और आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।